यह रैली जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इस राज्य के अंदर पिछले 15-20 वर्षों से निरंतर चल रही गुंडागिरी राजनीति के खिलाफ यह रैली की जा रही है। मार्क्सिस्ट पार्टी के शासनकाल में त्रिपुरा का और कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिला है, वो क्राइम रेट का रिकॉर्ड है। देश में वर्स्ट क्राइम रिकॉर्ड वाले राज्यों में आज त्रिपुरा शामिल है। চানমোহন ত্রিপুরা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং সিবিআই তদন্তের দাবিতে শুক্রবার রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রদেশ বিজেপির প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই রাজ্যের সরকার এবং শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেখেছেন দলের রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব। ত্রিপুরায় ক্রাইম ক্রমশ কমছে, মুখ্যমন্ত্রীর এহেন বক্তব্যকে তীব্র কটাক্ষ করে শ্রী মাধব বলেছেন এই রাজ্যের থানাগুলিতে ক্রাইম রেকর্ডই হয় না। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो पूरे देश के अन्य राज्यों के जो एवरेज है उसको तो ऐसे पीछे छोड़ दिए हैं, यहां तो बहुत असुरक्षा से महिला का जीवन गुजरता है। आपका मुख्यमंत्री मैं देख रहा था कहीं क्लेम कर रहे थे कि पिछले एक साल में त्रिपुरा में क्राइम रेट घटना शुरू हुआ है। मुझे आश्चर्य हुआ, भाई 15 साल से सत्ता में थे, 14 साल बढ़ता रहा, अब 15वें साल में अचानक कैसे घटने लगा? पता किया तो पता चला है क्राइम रेट घटने रहा था। इस राज्य के पुलिस स्टेशन में क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। বাম জমানায় ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ সুরক্ষিত নয়, এরাজ্যে মন্ত্রী বিধায়করা পর্যন্ত খুন হন। ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে শোনা যায়নি বলেও জানিয়েছেন তিনি। ইস রাজ্যে মে না মহিলা সুরক্ষিত হয় না, ট্রাইবাল সুরক্ষিত হয় না, অন্য দলों के नेता सुरक्षित है। यहां तक कि है मित्रों, स्वयं रूलिंग पार्टी के एमएलए मिनिस्टर्स को ही सुरक्षा नहीं है इस राज्य में, उनकी भी हत्या हो जाती है इस राज्य में। मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा में 5-5 विधायकों की हत्या हो गई है, 5 विधायकों की। मैंने ऐसा कोई राज्य नहीं सुना है जहां एमएलए की भी हत्या हो जाती है, मिनिस्टर की भी हत्या हो जाती है। इस राज्य में एक मिनिस्टर की हत्या हो गई है और कोई जांच नहीं होता है, कोई दंडित किया नहीं जाता है। मार्क्सवादी राजनीति हत्यार राजनीति बोले दावी करें बीजेपी के सर्वभारतीय नेता। केरला फिर एक बार तादर अत्याचार शुरू हुए थे बोले खोप प्रकाश कर राम माधव। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, पुलिस क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, वो मारने वाला मेंटली रिटार्डेड था। यह राजनीतिक प्रत्यर्थियों के साथ हत्या की राजनीति मार्क्सवादी पार्टी करती है। बल्कि मित्रों, मैं आपको कह दूं, ये कोई त्रिपुरा में मार्क्सवादी पार्टी कर रही है ऐसा मत समझना, मार्क्सवादी राजनीति ही हत्या की राजनीति है। जहां जहां सत्ता में होते हैं वहां अपने राजनीतिक विरोधियों पर हत्या, गुंडागर्दी, अत्याचार की राजनीति ये लोग चलाते हैं। केरल में इनकी सरकार है, 6 महीने भी नहीं बीता है, 30 हमारे कार्यकर्ताओं को या तो मार डाला गया या उनको बुरी तरह घायल किया गया है, 6 महीना नहीं बीता है। जब भी केरला में सत्ता में आते हैं तो भयंकर अत्याचार राजनीतिक विरोधियों पर करते हैं। लोकतंत्र पर कतई विश्वास नहीं रखने वाले लोग मार्क्सवादी लोग हैं। त्रिपुरा इस त्रासदी से पिछले 20 साल से 25 साल से गुजर रहा है। त्रिपुरा मार्क्सवादी शासन 25 बचर पूर्ण होते चलते, तारपरो 37 लक्ष जनसंख्यार मध्य 27 लक्ष जनगण दरिद्र सीमार नीचे बसबास करें बोले जानिएछेन तिनि। 25 साल का त्रिपुरा का मार्क्सवादी शासन कार्यकाल पूरा हो रहा है,
मैं पूछना चाहूंगा, क्या मिला है त्रिपुरा को? त्रिपुरा में आज सर्वाधिक गरीबी है, सर्वाधिक गरीबी, हाईएस्ट पॉवर्टी रेट आज त्रिपुरा में है। मेरे ख्याल से 37 लाख आबादी है, 26-27 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे है। मार्क्सवादी विचारधारा कहती है हम गरीबों की पार्टी है, हम गरीबी गरीबों की हितैषी है, हम गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी है। मित्रों, मार्क्सवादी गरीबी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इट्स अ पार्टी ऑफ द पॉवर्टी, नॉट पार्टी ऑफ द पुअर पीपल। শুক্রবারের এই প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে 18ই পরিবর্তনের ডাক দিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির হেভিওয়েট নেতা রাম মাধব। রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড।